सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सी ई टी सर की तरफ से गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आया है, एंड इस अपडेट से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश होंगे, स्पेशली एम सी ए की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है गाइस अभी वो जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, एंड एक्स्ट्रा जो टाइम है वो भी आपको अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जो है वो मिलेगा। साथ ही में कैसे आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो जल्दी कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एंड न्यू जो डेट्स है वो क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो अभी गाइज़ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे एंड एमसीए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज़ आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जो है वो न्यू डेट्स चेक कर सकते हो। जो न्यू डेट्स है गाइज़ वो 10 तारीख है, पहले जो पुरानी डेट है वो 5 तारीख थी, अभी जो न्यू डेट है वो 10 तारीख हो चुकी है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की भी यहाँ पे जो डेट है वो अब 11 तारीख हो चुकी है, तो 11 तारीख तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद कैसे हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जल्दी वेरीफाई करवा सकते हैं ये जान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल वेरीफिकेशन में बहुत ही जल्दी जो वेरीफिकेशन है वो हो जाता है, एक ही दिन में पूरा जो वेरीफिकेशन है वो हो जाता है, बस आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटनी सिलेक्ट किया होगा उनमें से बहुत ही कम लोगों का सक्सेसफुल हुआ होगा, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उनके लिए मैं आपको एक जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो बता देता हूँ। तो देखो गाइस आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है अपने फॉर्म को अनलॉक करके, जो स्क्रूटिनी मोड है वो चेंज कर देना है। अगर आप ऑनलाइन से उसे फिजिकल स्क्रूटिनी करते हो तो हो सकता है गाइस कि आपका जो फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पे आप जाओगे तो जल्दी आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। आप अनलॉक करके जो है वो अपना स्क्रूटिनी मोड चेंज कर सकते हो, बट ये जो ऑप्शन है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल होगा जो स्टूडेंट जो है वो एफ सी सेंटर के आसपास रहते हैं। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट होंगे मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वेट कर सकते हो, ई स्क्रूटिनी में भी आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट अगर आप जल्दी करवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन को ऑफलाइन में कर लो, फिजिकल कर लो एंड सेंटर पे चले जाओ, आपका जो है वो जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी डेट्स तो एक्सटेंड हो चुके हैं, तब तक तो आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा, बट जल्दी करना है तो आप जो है वो फिजिकल में कन्वर्ट करके जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस जिन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया होगा अभी गाइस आपको जो कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह वो भी बनानी है, तो उसके लिए गाइस आप हमारी ये जो लिस्ट है वो ले सकते हो, इसमें आपको सारे कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड इसका यूज़ करके आप अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बहुत ही ईजिली जो है वो बना सकते हो। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड इसके अलावा गाइस एमसीए एडमिशन प्रोसेस के जितने भी अपडेट्स आएंगे उनके भी अपडेट्स मैं आपको टाइम पर जो है वो दे दूंगा। अभी भी कैपराउंड की जो डेट्स है वो आने की है, वो जब भी आएगी उसका भी जो अपडेट है वो मैं आपको टाइम पे दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।